कैसे हैं सीधा आंटी? क्या बतावा कैसी हूं मैं, इतना दिल परेशान है सज्जो वास्ते। शोधी का पता नहीं क्या हाल हो सकता। मुझे आपकी परेशानी का अंदाजा है आंटी। इनफैक्ट इसलिए मैंने और मुनीरा आंटी ने डिसाइड किया कि मैं एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आ जाऊँ। मैं चाहता था कि मैं ताहिरा आंटी की केस और उनकी गिरफ्तारी के बारे में आपसे एक बार तफसीलन बात कर लूँ, फिर ही जाके उनसे मिलूँगा। मैं सुबह से एडवोकेट असलम से रबते में हूँ। उन्होंने मुझे ताहिरा आंटी के हस्बैंड ने उन पर अटेम्प्टेड मर्डर का चार्ज लगाया, कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। काफ़ी संगीन इल्ज़ाम है ये। सुबह एडवोकेट असलम ने अदालत में उनकी जमानत की भी दरख्वास्त की थी, लेकिन जज ने मुस्तरद कर दिया और उनको 3 दिन के लिए रिमांड पर दे दिया। ना जी ना, सब झूठ है, इन्हें बकवास करें ना पे इम्तियाज, ऐसी कोई बात नहीं है। अजी तुसी लोग ते जान दे ना इन्हें साल तो बाजी नू हैं, ते बाजी मुनीरा नू भी पता है, ये देखो ली तो कर्जा लिया है ना हैं, ते कारोबार शुरू कीता स। बाजी बाजी सज्जो ते बहु शरीफ ते सिद्धी सादी भोली भाली है। लेकिन तारा आंटी इतने अरसे से अपना नाम अपनी पहचान बदल कर इधर क्यों रह रही थी? अपना गांव सब छोड़कर वो लाहौर में एक नई पहचान के साथ क्यों रह रही थी? तो फिर क्या कर दियो बेचारी, उस इम्तियाज कोलो डर के आगे सी था, बहु जुल्म करदा सी उदे ते ज़ेबो ते, इतना के मैं बता भी नहीं सकदी थोको। आप मुझे ये कह रही हैं कि तारा आंटी ने अपने हस्बैंड पर कातलाना हमला किया ही नहीं? ना ना, वो तो झूठ बोलता है, बकवास करन दा पिया है। इतनी मासूमनी जी मेरी सज्जो है, तू देखी ता है, वो तो कभी चिड़ी नहीं मार सकती, कीड़ी नहीं मार सकती, उसे हट्टे कट्टे इम्तियाज को क्या मारेगी? बस उते मजबूरन अपना नाम ता पता बदल के रहंदी पई सी था, क्या कर दी फिर? इसे वास्ते ता उतो नस के आ गई सी, तो मैं भी कह देता कि मेरी बहन है कश्मीर तो आई हुई है, तो क्या होया? उंज ते मेरी बहन है, मैं उनको बहन समझनी आ, जे ना हुई तो फिर क्या फर्क पैंदा है? इम्तियाज बाजी सज्जो को फसा रहा है। बाजी सज्जो तो बड़ी शरीफ है, सिद्धी सादी भोली वाली है, उनका कोई कसूर नहीं। पुत्र अरश, रब दा वास्ता, उनको पुलिस से छुड़ा ले, पुलिस बड़ी जालिम होती। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं शीला आंटी, आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह उनको जरूर छुड़वा देंगे। पता नहीं सज्जो ने माणी दे नाल क्या बने, बड़ी बुरी फांस गई है मेरी बहन। अरश पुत्र, मैं को जेल ले जाके उससे ना मिला सकते हो? जरूर शीला आंटी, मैं इनफैक्ट आपको मिलने के बाद अभी उन्हीं के पास जा रहा था, आप चाहें तो मेरे साथ चलें। ठीक है। हाँ ठीक। सज्जो, तारा आंटी आप ठीक हैं? ये निशान कैसा है? पुलिस ने मारपीट की आपके साथ? हाय मैं मार गई, तक मारे हैं इन्होंने, हैं? आप लोगों ने मारपीट की है इनके साथ? नहीं वकील साहब, इसने खुद अपने आप को जख्मी किया है। शोधी झूठ बोलती पई है। देखा सज्जो, किस कानून के तहत मेरी क्लाइंट पर हाथ उठाया गया है? तारा आंटी, जब मैं आपका केस मुकम्मल तौर पर पढ़ लूंगा तो मैं आपसे दोबारा मिलने आऊंगा, लेकिन एक बात से आप मुतमईन रहें कि अब आप पर किसी भी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं कर सकेगा। देखिए अर्श से कुछ डालेगा, वो काबिल है माशाल्लाह, तो फिक्र ना कर, है बिल्कुल फिक्र ना करी, देखो उसी बाहर काट लांगे। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है तायरा आंटी, मुझसे पूछे बगैर पुलिस को कोई भी बयान मत दीजिएगा, प्लीज। मैं एसएचओ से मिलकर आऊंगा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपने किस कानून के तहत मेरी क्लाइंट पर तशद्दुद किया है?
वकील साहब, हमने उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया, उसने खुद ही अपने आप को जख्मी किया है। ये औरत बहुत खतरनाक और जनूनी है, इसने तो हमारी एक लेडी कांस्टेबल पे भी हमला कर दिया था। आप यकीन करें, बड़ा खतरनाक हमला था। उस लेडी कांस्टेबल को हमने बड़ी मुश्किल से इससे छुड़वाया है। वकील साहब, आप मुझे शरीफ आदमी लगते हैं, इतनी बड़ी एनजीओ ने आपको वकील मुकर्रर किया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, उस औरत की भोली और मासूम शक्ल पे नहीं जाइएगा, ये मजलूम और मासूम नहीं बल्कि जनूनी औरत है। जहाँ से इतना सब कुछ हो गया तो मुझे अब बता रहा है फोन करके? आपा कैसे बताता, आपका फोन ही बंद था और रियाज से कॉन्टेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। हाँ, मैंने भी शूटिंग के कम में ध्यान ही नहीं किया, घर से भी फोन आ सकता है। फिर तू बता, सब ठीक है? खाला सज्जो कैसी है? आपा, अर्श भाई और बीबी गए हैं थाने, अब वो खाला से मिलकर आएंगे, तभी उनकी खैरियत मालूम होगी और पता चलेगा कि हुआ क्या है। अर्श है? चलो ठीक है, वो संभाल ही लेगा बात को। मैं अभी अभी उसको कॉल करके बताती हूँ। सेबो कैसी है? आपा वो कैसी होगी, रोए जा रही है कल से, ना तो उसने कुछ खाया है ना पिया है, पानी का एक घूंट तक नहीं पिया। और ये इम्तियाज पता नहीं क्यों खाला और जेबो की पुरसकून जिंदगी में फिर से जहर घोलने आ गया। वकील साहब, शायद आपको तफसील नहीं पता, चले मैं बताता हूँ। 7 साल पहले साजिदा बीवी अपने सोए हुए शोहर इम्तियाज अली पर छुरियों के वार कर कर उसको मुर्दा समझ कर और उसकी कीमती चीज़ें लेकर अपनी 10-11 साल बच्ची के साथ अपने गांव से भागकर लाहौर आ गई थी। पुलिस ने जाय वकूका से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए थे और वो इम्तियाज की मेडिकल रिपोर्ट, वो उसका बयान, और फिर सबसे बढ़कर ये कि उसी रात साजिदा बीवी का घर से फरार हो जाना और इतने अरसे मफरूर रहना, ये सब क्या साबित करता है? अगर वो बेगुनाह थी तो फिर मफरूर क्यों हुई? आप लोगों ने तो खामखा पुलिस के खिलाफ जहन बना रखा है, हम क्या करें? काम करते हैं तो भी मुश्किल, काम नहीं करते तो भी मुश्किल। याद रखिए, पुलिस हर बार बेगुनाहों को नहीं पकड़ती, मुजरिमों को भी हम ही पकड़ते हैं, और ये साजिदा बीबी खतरनाक मुजरिम है। मुलजिम, याद रखिए सज्जो साहब, जब तक ये इल्जाम साबित नहीं होते मेरी क्लाइंट को आप मुजरिम करार नहीं दे सकते। ये फैसला करना आपका काम नहीं, अदालतों का काम है, और जब तक ये फैसला हो नहीं जाता आप मेरी क्लाइंट पर किसी भी किस्म का जिस्मानी या नफसियाती तशद्दुद नहीं कर सकते, और अदालत ने आपको तफ्तीश का हक दिया है, मारपीट का नहीं। क्या हाल हो गए तेरे, क्या बन गया तेरे नाम, तू ठीक तो है? तेरा क्या होना पा, मेरी तो तिनका तिनका जोड़ी हुई जिंदगी सारी की सारी जिससे बर्बाद हो गई, पूरी बिखर गई। आप तो फिक्र ना कर, देखी तू मेरी छोटी बहन है ना, मैं तेरे को तो कट लाऊंगी, देखी सब ठीक हो जाते। ठीक नहीं होने वाला आपको, मैं अपनी किस्मत की स्याही से कितनी देर तक भाग सकती थी, अब तो खेल खत्म हो गया। कैसी गल्ला कर दी पई है, ये मैं ना मुरादा वंगर ना बोलिया कर, क्यों मैं यूं सुन दी है? इसलिए आपा, क्योंकि मुझे जो नजर आ रहा है वो तू नहीं देख सकती। आपा तूने मुतियाज को देखा नहीं, मैंने तुझसे कहा था ना, वो अभी खूनी दरिंदा बन के वापस आया है, उसने मुझसे बदला लेना है, उसने मुझे जिंदा नहीं छोड़ना। आपा उसकी पहुंच, उसके तलकात बहुत दूर तक जाते हैं, और उसने उसने मुझसे बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठी, नहीं छोड़ना उसने मुझे। सच्चो मैं तेको आखदी पई है ना, तू फिक्र ना कर, वो जड़ा अरश है ना वो बहुत वड्डा वकील है, बहुत काबिल है, तू फिक्र ना कर, तू देखी ते कुछ छुड़ा लेगा वो। ना वो मुझे छुड़ा सकता है, ना ही कोई कोशिश करने की जरूरत है तुझे भी। मुझे तो अब ये डर है कि कहीं इसके साथ साथ उसने जो जेबो के साथ किया है वो बात ना खुल जाए। आपा ना, पर तू फिर किवें दसेगी हकीकत दा, कैसे पता चलेगा? कुछ भी हो जाए, मैं जेब तख्ते पे क्यों ना लटक जाऊं, तूने ये बात किसी से नहीं करनी, ये राज तू
अपने सीने में ही रखी। मीरा से भी कह दे कुछ भी हो जाए, मेरी बच्ची के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। कहा मेरी कसम। अल ठीक है, हाल लेने तेरी जान दी कसम, मैं किसी को नहीं बतावांगी। पर देख तू तू तो फंस गई ना फिर। और मेरी जिंदगी तो जो गुजर गई, जो होना था हो गया, तबाह हो गई। पर कम से कम जेबो तो बच जाए। अगर वो बात खुल गई ना तो मेरी जेबो का आगे क्या होगा? उससे शादी कौन करेगा? उसकी कौन इज्जत करेगा? सिर्फ जेबो के नाम पे अगर फिर बदनामी का दाग लग गया ना आपा, तो समझो मैं भी जीते जी मर जाऊंगी। कुछ भी हो जाए आपा, पर मेरी बच्ची को बदनामी से बचा ले। आपा सेबो कैसी है? सेबो दा क्या बतावा, देखो ना खांदी है ना पींदी है, तो हालत देखी नहीं जाती मेरे को। हर वक्त रोंदी है, बस एक कोई गाल है उसके को, अम्मी जी के पास ले चलो, अम्मी जी के पास ले चलो। मैं क्या करा? नहीं आपा, हरगिज नहीं। कुछ भी हो जाए तूने उसको इधर नहीं आने देना। आपा तो उसको घर से निकलने भी ना दी। कुछ भी हो जाए तूने उसकी हिफाजत करनी है आपा। तूने देखा नहीं है इम्तियाज को? उस जेबो का नाम ले लेके बड़ी बुरी बुरी धमकियां दे के गया है मुझे। आपा मेरी बेटी की जान और इज्जत की हिफाजत अब तेरे हाथ में है, इसमें कोई ढील ना करिए आपा। और टाइम पूरा हो गया, गल समझ नहीं आ रही मेरी, टाइम खत्म हो गया, चल जाए यहां से। बस वो कैसी हो मीरा? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वो खाला सज्जो, मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे तो अभी कॉल करके इजाज ने बताया। हाँ, मीरा ताहिरा आंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनफैक्ट मैं अभी उनसे ही और एसएचओ से मिलकर आ रहा हूँ थाने से। खुदाया ये क्या हो गया, खाला सज्जो को किसी तरह वहाँ से बाहर निकालो। तुम फिक्र मत करो मीरा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको छुड़ाने की। हर से अपनी पूरी कोशिश करके खाला सज्जो को बचाओ। बड़ी दुखी और मजलूम औरत है, उसने जिंदगी में बड़े दुख देखे, उसको निकालो। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मीरा, आई नो, आई प्रॉमिस कि मैं अपना 100% दूंगा उनको छुड़ाने के लिए। लेकिन सच बताऊं मीरा, तो ये केस इतना सिंपल है नहीं जितना मैं इसको समझ रहा था। आई मीन एसएचओ से मिलने के बाद ऐसी बातें पता लगी है कि मेरा सर चकरा गया। 7 साल पुरानी FIR है आंटी ताहिरा के खिलाफ। इम्तियाज का बयान, ये मेडिकल रिपोर्ट, और इतने साल तक मफरूर है ना, ये सब बहुत सीरियस एलिगेशंस है मीरा। इनफैक्ट पुलिस के रिकॉर्ड में तो वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दी गई है। मैं कुछ नहीं जानती अर्श, तुम कुछ भी करके खाला सज्जो को बचाओ। इतने बड़े काबिल वकील हो, इधर तो मुजरिम जुर्म करके बाहर दंदनाते फिरते, खाला सज्जो तो बेकसूर है। क्या फायदा तुम्हारी पढ़ाइयों और डिग्रियों का अमरीका से? अच्छा भाई अच्छा, तुम तो बीवियों की तरह ताने देना शुरू हो गई हो, वो भी कोई 15-20 साल पुरानी बीवियों वाले। चुप क्यों हो गई हो? मजाक करो यार, अब हम आपस में मजाक भी नहीं कर सकते। तुम फिक्र मत करो मीरा, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी जान लड़ा दूंगा आंटी ताहिरा को छुड़ाने के लिए। बाय द वे तुम वापस कब आ रही हो? मैंने जिन लोगों से बोला है कि मेरा शूटिंग का काम जल्दी खत्म करें, मैं तो कल परसों में वापस आना चाहती हूँ। ओके आओ तो मिलते हैं। ओके खुदा हाफिज। सिबो आ जाओ खाना खा लो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। इस तरह कुछ खाओ भी होगी नहीं तो बीमार पड़ जाओगी। अम्मी जी भी तो भूखी होंगी, उनको कौन खाना दे रहा होगा? वो तो खुद अपना ख्याल भी नहीं रख सकती। रोज सुबह बीपी की दवाई लेना भी भूल जाती हैं, मुझे याद दिलाना पड़ता है। देखो खाला ठीक है, बेबी मिलकर तो आई है खाला से,
और वो बता रही हूँ बिल्कुल खैरियत से, और अर्श भाई भी उनकी जमानत करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुम देखना, वो कल या परसों घर वापस आ जाएंगी। तो फिर मैं भी कल या परसों ही खाना खाऊंगी। सारी जिंदगी अम्मी जी के हाथ से पहला निवाला खाया मैंने, अब भी अम्मी जी के हाथ से पहला निवाला खाऊंगी। आप हमें अकेला छोड़ सकती हैं मुझे अपने क्लाइंट से कुछ बात करनी है। वकील साहब, हमें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है। मैंने आपके केस की तमाम तर डिटेल्स इकट्ठी कर ली है, एसएचओ से भी तफसीलन मुलाकात हो गई है। देखिए, मेरा यकीन है कि हर वाक्य के कई जाविये और कई पर्सपेक्टिव होते हैं। एसएचओ साहब का वर्जन तो मैं सुना है, कि मुझे आपसे सुनना है, आपकी जुबानी सुनना है कि 7 साल पहले 21 अप्रैल की रात को ऐसा क्या हुआ था। झगड़ा हुआ था आपका इम्तियाज से? इतनी पुरानी बात मुझे याद नहीं। याद करने की कोशिश कीजिए। इम्तियाज ने मारपीट की थी आपसे, और उस मारपीट और झगड़े से बचने के लिए आप जेबो को लेकर वहां से फरार हुई थी। इम्तियाज पर कातलाना हमला और चोरी आपके वहां से फरार होने के बाद हुआ था? मुझे नहीं पता। इम्तियाज पर जिस छुरी से कातलाना हमला हुआ था, वो दौरान तफ्तीश पुलिस को मिल गई थी, और बतौर केस प्रॉपर्टी आज भी उनकी तहवील में। ठीक है, पर मैंने किया था इम्तियाज पे हमला छुरी से। उस छुरी पे मेरी उंगलियों के निशान भी होंगे। लेकिन क्यों किया था आपने हमला? कोई तो ऐसी वजह? कोई वजह नहीं थी। एक मामूली सा घरेलू झगड़ा हुआ था, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने। झूठ बोल रही हैं आप, सरासर झूठ। अगर आपको उससे कुछ बचा सकता है साजिदा आंटी, तो वो सिर्फ सच है, क्योंकि आपका झूठ कम अज कम आपको तो कोई फायदा नहीं देगा। हाँ, लेकिन आपके झूठ से इम्तियाज को जरूर फायदा होगा। मेरा यकीन कीजिए, मैं आपका वकील हूं, मैं आपको यहां से बचाना चाहता हूं। प्लीज, बगैर घबराए, बगैर नर्वस हुए मुझे सब कुछ सच सच बताइए कि उस दिन 21 अप्रैल की रात ऐसा क्या हुआ था। मामूली से मामूली बात भी मुझसे मत छुपाइए, प्लीज। कुछ भी नहीं हुआ था, और कुछ भी नहीं हुआ था उस रात। एक ही बात के पीछे क्यों पड़ गए आप? आपसे कहा है मैंने, घरेलू झगड़ा हुआ था मामूली सी बात पे, गुस्सा आ गया मुझे, पोर्ची खाने से मैंने तेज छुरी उठाई और इम्तियाज पे वार कर दिया। उसके बाद पुलिस से डर के जेबो को लेकर मैं लाहौर भाग आई थी। देखें, मुजरिम हूं मैं, इम्तियाज पे छुरियों के वार किए मैंने, मुझे मेरे जुर्म की सजा मिल जाने दो। उस रात का ज्यादा गम ना करें आप। वैसे भी वकील की जरूरत नहीं है मुझे। आपको जिसने भी भेजा है, मीरा ने या कशफ वालों ने या बाजी मुनीरा ने, कह दें उनसे कि मना कर दिया मैंने वकील लेने से। चले, हो गई है मेरी मेरे वकील से मुलाकात। चले आ जाए। सब ठीक हो जाएगा।
अम्मी जी को पुलिस ले गई है बाजी मीरा, अम्मी जी को वापस ले आओ। खाला सज्जो को जरूर वापस लेके आएंगे आप, तू फिक्र बिल्कुल ना कर, बस हौसला रख और दुआ कर। तुम मुझे अपनी छोटी बहन कहती हो बाजी मीरा, अपनी छोटी बहन की इल्तिजा नहीं सुनोगी? ज़ेबो मैं तेरे से वादा करती हूँ, जब तक खाला सज्जो को घर नहीं ले आऊंगी ना, चैन से नहीं बैठूंगी। हौसला रख, 3 दिन हो गए मैंने अम्मी जी की शक्ल भी नहीं देखी, तुम मुझे अम्मी जी से मिलवाने ले चलो। ज़ेबो अब तुझे थाने मिलाने तो नहीं लेके जा सकते ना, 2-3 दिन में खाला सज्जो वापस आ जाएगी, फिर आराम से बैठ के उनसे जितनी बातें करनी हो कर। कम मिलवाएंगे, इतने दिन तो हो चुके हैं, एक दफा भी नहीं देखा मैंने अम्मी जी को। ज़ेबो ज़ेबो मेरी बात तो सुन, हौसला कर। अच्छा मेरी तरफ देख, मेरी बात सुन, हम सब है ना खाला सज्जो को घर वापस लेकर ही आएंगे, मैं तेरे से वादा कर रही हूँ, बड़ी बहन हूँ ना तेरी, बहन मानती है ना मुझे, फिक्र ना कर, हम सब है ना। मैं अंदर आ जाऊं? आइए आइए जहे नसीब, आज इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हमारे ऑफिस में आई है, प्लीज। फजूल बातें ना करो अर्श, तुम मसरूफ तो नहीं थे? मैं कॉल किए बगैर ही आ गई। मैं जितना भी बिजी हूँ मीरा जी, आपके लिए मेरे पास वक्त ही वक्त है। कुछ परेशान नजर आ रही है। कुछ नहीं, मैं बहुत परेशान हूँ। खाला साजिदा की वजह से? हाँ, खाला सज्जो को किसी तरह पुलिस से छुड़ाओ, वो बेकसूर है। बेबे बता रही थी कल तुम मिलने गए थे उनको, फिर क्या हुआ? जी कल मिला हूँ मैं उनसे और खासा मायूस भी हुआ, वो मेरे साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करी मीरा, वो 21 अप्रैल की रात के हादसे के बारे में मुझसे कुछ शेयर ही नहीं कर रही। अगर मुझसे ताबुन नहीं करेंगी तो मैं उन्हें बचा नहीं सकूंगा मीरा। वो बस डरी हुई है अर्श, वो इम्तियाज से बहुत डरती है, उन्हें लगता है कि वो अकेली है और वो बड़ा ताकतवर है, पहले भी वो उनके घर में घुस के उनको धमकियां दे चुके, वो बस अपने और ज़ेबो के लिए बहुत डरती है। मैंने उन्हें बहुत हौसला दिया है और मजीद भी दूंगा, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मीरा तुम्हारी खाला मुझे थोड़ी एबनॉर्मल लगी है, बहुत एबनॉर्मल और स्ट्रेंज बिहेवियर था उनका, जैसे बहुत कुछ छुपा रही है वो मुझसे, जबकि अभी तो उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मुझे सब कुछ साफ साफ बताना चाहिए। मेरा पुलिस के पास तमाम शवाहिद मौजूद है कि उस दिन कातिलाना हमला हुआ था और शायद साजिदा आंटी ने ही किया था। तुम तो बहुत क्लोज हो साजिदा आंटी और ज़ेबो के, तुमसे तो जरूर कुछ शेयर किया होगा उन्होंने, तुम बताओ कि इम्तियाज पर कातलाना हमला साजिदा आंटी ने किया था या नहीं? हाँ किया था, लेकिन सिर्फ खुद को बचाने के लिए किया था, उनका कोई ऐसा इरादा नहीं था। तुम बताओ अगर तुम्हारे दफ्तर में कोई घुस के तुम्हारे पे हमला करे तो तुम खुद को बचाओगे? नहीं बचाओगे ना, या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे? खाला सज्जो बस खुद को बचाना चाहती थी, इतना हक तो देता है ना कानून इंसान को कि इंसान अपनी हिफाजत खुद कर सके। बिल्कुल देता है मीरा, लेकिन ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं सेल्फ डिफेंस था, ये साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं, गवाह चाहिए होते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा सबूत, कोई ऐसा गवाह है या कोई ऐसा रीजन जो साबित कर सके कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस था? इस केस में जो सबसे बड़ी चीज साजिदा आंटी के अगेंस्ट जा रही है वो उनका इतने सालों तक मकरूर रहना है। अगर साजिदा आंटी बेगुनाह थी तो वो इतने सालों तक मकरूर क्यों रही है? क्या तुम भी खाला सज्जो को गुनाहगार और मुजरिम समझ रहे हो अर्श? नहीं, मुझे यकीन है वो बेकसूर है, लेकिन मुझे इस बात का भी यकीन है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। साजिदा खाला मुझसे झूठ बोल रही है,
शायद तुमने। तुम्हें लगता है मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? मैं क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे? पता नहीं मीरा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे सच नहीं बोल रही हो। तुम जरूर कुछ जानती हो जो मुझसे छुपा रही हो। नहीं अर्श, मैं और कुछ नहीं जानती सिवाय इसके कि इम्तियाज एक जालिम और घटिया आदमी है, और खाला सज्जो की जिंदगी का सबसे गलत फैसला था उससे शादी करना। उसको गाड़ी में पसीदा। सज्जो बीबी आपसे कहा ना एक तरफ हो जाइए, चलो बैठो। सज्जो से तेको बचा लेंगे, छुड़ा लेंगे तेको, फिक्र ना कर। चुप अरे की हो दबे अरश पुत्र ले गए ना अरश, देख तो सही। सॉरी शीदा आंटी, मैंने बहुत कोशिश की कि आज सारिदा आंटी की जमानत हो जाए, उन्हें मजीद रिमांड पर मत भेजा जाए, बदकिस्मती से ऐसा हो नहीं सका। ये तो बेड़ा गर्क होवे, इस नामुराद किसी आती आई आ जाए एक गोली बच्चे। ये इम्तियाज के सियासी असर रसूख काम कर रहे हैं शीदा आंटी, पुलिस को भी खरीदा हुआ है इसने, इसी को खुश करने के लिए कभी झूठे सच्चे इल्जाम लगाकर तफ्तीश के लिए और वक्त दी जा रही है। मैंने कोर्ट में रिमांड की एक्सटेंशन को चैलेंज किया है, जज साहब के सामने रिक्वेस्ट किया है कि अब क्या तफ्तीश के लिए रह गया है, साजिदा आंटी को रिहा किया जाए, मगर जज साहब ने मेरी रिक्वेस्ट को मुस्तरद करके दो दिन की मजीद तौसी कर दी। पता नहीं क्या बनता पे है, सबको क्या पता है जज साहब का फैसला है कि किदा फैसला है, पर इतना बेड़ा गर्क हो वैसा भी नहीं कि अल्लाह पे भरोसा रखे। सीधा आंटी मैं ये केस पढ़ रहा हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि ये केस हम कोर्ट में लेकर जाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो साजिदा आंटी को बाइज्जत तौर पर घर लेकर आएंगे। आप फिक्र ना कीजिए, आप घर लेके जाइए सीधा आंटी को। ठीक है, मैं आपको अगली तारीख के बारे में बताता हूँ। चल आपा मोड़ फिर, अल्लाह बेहतर कर सी। चल खराब हो रब चुके। मीरा पुत्र क्या सोच दी पई है? कुछ नहीं बेबे, सज्जो खाला के बारे में ही सोच। मैं कल अर्श की तरफ गई थी खाला सज्जो के केस के बारे में बात कर, सारे सबूत सारे गवाह सारी शहादतें खाला सज्जो के खिलाफ हैं। बेबे मैं सोच रही थी कि अर्श को बता देते हैं कि इम्तियाज ने ज़ेबो के साथ। ना 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 ना, ये काम ना करें, तोबा कर तोबा। सज्जे ने मेरे को बहुत सख्ती ना मना कीता है, तो उन्हें मेरे को कसम दी है कि ये गाल में किसी के सामने नहीं करनी, तो मैं उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ सकती। तोबा कर, चुप चुप। बेबे लेकिन ऐसे अर्श खाला सज्जो को कैसे बचाएगा? सारे गवाह सारे सबूत सारी शहादतें खाला सज्जो के खिलाफ। अर्श मुझे बार बार कहता है कि कोई और बात है तो बताओ, कोई और बात है तो बताओ, ताकि वो खाला सज्जो को बचा सके। बेबे अगर हम सच नहीं कहेंगे तो वो खाला सज्जो को कैसे बचाएगा? ना कुछ भी हो जावे अस ये गल करनी नहीं, बिल्कुल नहीं करनी। ता अर्श दी तू फिक्र ना करूँ, बहुत अकलमंद है। कल असी गए सी ना मेहता बाला कोरट, साकू मिलिया सी, मेरे को पक्का यकीन है वो साड़ी सज्जो को छुड़ा लेगा। हाँ ये गल तो मैं मर के भी नहीं करांगी। ना ना मैं अपनी जान दे देवांगी पर सज्जो की गल नहीं तोड़ांगी, वो भरोसा नहीं तोड़ सकती। चुप कर जाने बिल्कुल नहीं ना।
शेख साहब छा गए हो तुसी, क्या काम किया आपने। अब किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं। इसके रिमांड को बढ़ा के ना, बड़ा जबरदस्त काम कर दिया आपने। बस एक काम और करना है आपने, अब जरा इसको माई को ना खींच के भी रखना, समझ गया ना मेरी बात। देख भाई इम्तियाज, ये जो तेरे फरमाइशी प्रोग्राम है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तेरी बीवी के साथ एनजीओ का मुकर्रर किया हुआ जो वकील खड़ा है ना, जरूर से ज्यादा सियाना है, पुलिस को भी बहुत कानून पढ़ाता है। वैसे तो हम उसे खातिर में नहीं लाते, लेकिन ये जो एनजीओ और इंसानी हकूक की तंजीमें हैं ना, जिन केसों में इनका अमल दखल हो जाए वहां हाथ जरा हौला रखना पड़ता है, वरना ऐवे ही मीडिया पे पुलिस के खिलाफ वावेला मचा देती हैं। हाँ वैसे तेरा एक काम पुलिस जरूर करेगी, साजिदा बीवी के जुर्म की कबूलदारी। बस रिमांड पूरा होने पे जज के सामने जाएगी, तोते की तरह फर फर बोल के अपना जुर्म कबूल कर लेगी। और मैंने लेडी कांस्टेबल से भी कह दिया है कि इसे कोई हाथ ना लगाए, बस पुलिस वाली गालियां देते रहें। इज्जत शर्म वाली औरत है, पुलिस की गालियां धमकियां और इल्जामों से वैसी पूरी हो जाएगी। खुश रहो बादशाह, कलेजे में ठंड डाल दी है और दिल मेरा वो क्या कहते हैं बाग बाग कर दिया है। भाई इम्तियाज, हमने तो तेरा दिल बाग बाग कर दिया, लेकिन तुझे भी हमारी खुशी का कुछ ख्याल है या नहीं? और वो क्या हुआ मेरी पोस्टिंग वाले मामले का, तूने मलिक साहब से बात की? ओ शेख साहब, ओ कैसी गैरों जैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे साथ। भाई मुझ पे इतबार करो, मेरे होते हुए आपको इस जगह से कोई नहीं हिला सकता। मैं मलिक साहब को कहूंगा, उनकी तो एक फोन की मार है, एक फोन करेंगे आपका काम हो जाएगा, बस क्यों टेंशन ले रहे हो। अच्छा ये बताओ, मैं जरा दो मिनट मिल लूं इससे? ठीक है ठीक, तुम्हारी मुलाकात करा देते हैं, लेकिन याद रखना सिर्फ दो मिनट। वो फिक्र ना करो बादशाह। क्यों भाई, क्या हाल है मेरी घरवाली का? है मैडम तहिरा, कैसी गुजर रही है यहाँ पे? थू, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, आकड़ नहीं खत्म हुई तेरी। तू क्या समझता है, तुझे छुरियां मार के मुझे दुख हुआ है? मुझे तो दुख है कि तू बच गया। मुझे एक बार फिर से मौका मिले ना, मैं तुझे फिर से मारू, इतना मारू कि इस दफा तू बच ना सके। मुझे 100 बार भी मौका मिले ना, मैं तुझे 100 बार फांसी पे लगाऊं। फांसी? अब बुद्धि देखी तूने अपनी, फांसी तू मुझे दिलाएगी? अरे फांसी तो मैं लगवाऊंगा तुझे, उम्र कैद कराऊंगा, सारी जिंदगी जेल में सड़ती रहेगी तू, चक्की पीसेगी, और मैं करूंगा बार अयाशियां बड़ी आई। याद रख अल्लाह सब कुछ देख रहा है, तेरे सारे जुल्म देखे उसने जो तूने मुझ पे किए, जो ज़ेबो पे किए। अल्लाह तेरे एक एक जुल्म का हिसाब लेगा, तुझे ऐसी सजा देगा, तू मौत भी मांगेगा तो तुझे मौत नहीं आएगी। अब मैंने अपने सारे मामले अल्लाह पे छोड़ दिए, वही इंसाफ करेगा मेरा भी और तेरा भी। और चल बड़ी आई मुझे मजहब का पाठ पढ़ाने, मलवानी ना बन, इंतजार कर तू, इंतजार कर, शाबाश मुझे कब सजा मिलेगी। 25 साल जेल में साड़। सजना वे सजना मैं तेरे को ले आड़ा।